लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की अनसुलझी गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। अंकिता की हत्या क्यों और कैसे हुई, उस दिन अंकिता और आरोपी पुलकित के बीच विवाद क्यों हुआ था, घटना की वजह क्या थी, आरोपियों ने किस प्रकार पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ, इन तमाम प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अंत तक देखिए K24 न्यूज की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को लेकर कोटद्वार न्यायालय जा रही जीप को गंगा भोरपुर के आक्रोशित लोगों ने रोक लिया। महिलाओं और बच्चों ने जीप पर पथराव शुरू किया। इस बीच लोगों ने पत्थरों से पुलिस जीप के शीशे तोड़ दिए। लोगों ने जीप को पलटकर नहर में गिराने की कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच लोगों ने जीप की खिड़की से आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए और फिर उन पर लात, घूंसे, चप्पल और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस की सूचना पर करीब 45 मिनट बाद SSP शेखर सुयाल मौके पर पहुंचे। शेखर सुयाल ने लोगों को समझाया, जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन आखिरकार पुलिस ने लोगों को मौके से हटा दिया। इसके बाद जीप को कोटद्वार की ओर रवाना किया गया। ये गुस्सा या आक्रोश न केवल ऋषिकेश के लोगों का है बल्कि ये समूचे उत्तराखंड, समूचे राष्ट्र का है। अंकिता को पुष्टि हो गई है कि उसका मर्डर हुआ है। अंकिता का एक पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड पावन धरती पे ये कुकृत्य अपराध जिसने भी किया है किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसको मौत के बदले मौत हो जानी चाहिए, फांसी के तख्ते तक, उसे फांसी के फंदे तक ले जाना शासन प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री से निवेदन है, मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि उत्तराखंड में आने वाले कोई भी ऐसा कुकृत्य अपराध करने के लिए 100 बार सोचे। वारदात की शुरुआत होती है 18 सितंबर से, जब अंकिता भंडारी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, जो बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित के साथ रात 8 बजे ऋषिकेश गई। वहां से रात 9 बजे सभी लोग वापस लौटे। रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ में पता चला कि रात 10:30 से 11 बजे के बीच तीनों आरोपी रिजॉर्ट वापस आए थे लेकिन अंकिता भंडारी उनके साथ नहीं थी। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट मालिक एवं भाजपा नेता विनोद आर्य के 35 साल के बेटे पुलकित आर्य, 19 साल के अंकित और 35 साल के सौरभ भास्कर को पूछताछ के लिए थाने ले आई। पहले आरोपियों ने पुलिस को बरगलाया, झूठी कहानियां सुनाई, कानून की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की, मगर सच कब तक छिप सकता था। पुलिस ने अंकिता का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और CCTV फुटेज का सहारा लिया जिसके बाद आरोपियों का झूठ पकड़ा गया। तीनों आरोपियों ने आखिरकार अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 18 सितंबर की शाम को रिजॉर्ट के मालिक बीजेपी के नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े का समझौता करने के लिए तीनों आरोपी अंकिता को लेकर एम्स ऋषिकेश के पास पहुंचे। रिजॉर्ट आते वक्त चीला रोड पर नहर के किनारे तीनों शराब पी रहे थे तो अंकिता और पुलकित के बीच फिर विवाद होने लगा जिसके बाद अंकिता के साथ आरोपियों की झड़प हो गई। अंकिता कहने लगी कि मैं तुम्हारे रिजॉर्ट की हकीकत बयां कर दूंगी, सारी बातें बता दूंगी। इसके बाद अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। इस पर तीनों को गुस्सा आ गया। आरोपियों का कहना है कि हम नशे में थे, पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। अंकिता हमसे हाथापाई करने लगी, तभी हमने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वह नहर में गिरकर डूब गई। वारदात के बाद आरोपी घबरा गए, किसी को शक न हो इसलिए पुलकित ही अंकिता की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराने चला गया। तीनों ने मिलकर यही सोचा था कि तीनों एक जैसे बयान देंगे, इसलिए सोच समझ कर तीनों ने घटना की टाइमिंग सेट की। लेकिन सच कब तक सामने न आता, पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो ये सच सामने आया। मामले में पुलिस ने IPC की धारा 302/201 और 120B के तहत केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 IPC लगाई गई है, मार करके और फिर आ करके गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में, तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर
#justiceforankita चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि अंकिता भंडारी को कब तक न्याय मिलता है और सरकार इन दरिंदों को क्या सजा दिलवाती है। आप क्या चाहते हैं? अंकिता के इन हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।